Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अगले दिन एफिम गिरजाघर में आया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र से नहीं मिल सका। अगले दिन एफिम फिर से गिरजाघर में गया और फिर उसे वही दृश्य दिखाई देता है कि दीपकों के प्रकाश के पीछे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो एलिशा की तरह लगता है और पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़ा है। पादरी यानी जो हमारे जो मंदिर होते हैं उनका जो पुजारी होता है, ऐसे ही गिरजाघर की देखभाल करने वाले को पादरी कहा जाता है। तो वह उस पादरी के जैसे हाथ फैलाए खड़ा है, परंतु जब उसने प्रार्थना समाप्त करके फिर देखा तो उसे अपना मित्र फिर से नहीं मिला वहाँ पर। दूसरे दिन भी उसे अपना मित्र नहीं मिला। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहाँ अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। एफिम चिंतित हो गया। अब पहले दिन भी एफिम को अपना मित्र नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं मिला, अब तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलम में 3 सप्ताह रहा। हर रोज यही चलता था। वह रोज़ गिरजाघर में जाता था और वहाँ पर अपने मित्र को खड़ा हुआ देखता था, और फिर उसके बाद जब प्रार्थना समाप्त हो जाती थी तो एलिशा कहीं दिखाई ही नहीं देता था। तो यह सब देखकर एफिम जो था वह बहुत चिंतित हो गया, यानी कि चिंता में रहने लगा कि यह सब हो क्या रहा है। मेरा मित्र मुझे यहाँ पर दिखाई देता है लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो नहीं मिलता है। तो यह सब देखकर सोचकर एफिम बहुत चिंतित हो गया। अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव की झोपड़ी में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहां यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। अब एफिम तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहा था तो रास्ते में वह उसी गांव में पहुंचा और उसी झोपड़ी में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उस झोपड़ी के दरवाजे पर फिर उसे एक बूढ़ी स्त्री खड़ी हुई दिखाई दी। वह बोलती है कि आइए बाबा, हमारे साथ ठहर लीजिए और थोड़ा सा भोजन कीजिए। हम यहां पर सदा अपने यात्रियों का स्वागत करते हैं। ऐसे ही एक यात्री ने हमारी प्राण रक्षा की थी, यानी कि हमारे प्राण बचाए थे जब हम भूख से मर रहे थे, तो आपके ही तरह एक यात्री ने हमारी जान बचाई थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के बारे में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे, यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। वह ईश्वर का रूप था। जब उस बूढ़ी स्त्री ने एफिम से कहा कि हमारे घर में आओ, हम अपने घर में हर एक यात्री का स्वागत करते हैं, तो एक यात्री ने हमारी जान बचाई थी, तो यह सब सुनकर एफिम समझ गया कि यह एलिशा के बारे में ही बात कर रही है। अब उस बूढ़ी स्त्री से वह एलिशा के बारे में पूछने लगा तो उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ वह कौन था, मनुष्य था अथवा भगवान का भेजा हुआ दूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम सब पर दया करता था और यहाँ से वह बिना बताए चला गया। परमात्मा उसका भला करे, यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। बोलते हैं कि अगर वह हमारे पास नहीं आया होता तो हम तो कब के मर गए होते। वह ईश्वर का रूप था और बिना बताए, अपना नाम भी नहीं बताया, और वह यहाँ से चला गया। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे।
जब एफिम तीर्थ यात्रा से लौटकर आया तो सबसे पहले वह सुबह सुबह एलिशा के घर पहुंचा और एलिशा जो था वो अपने शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा कि आशा है कि आप यरूशलम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एलिशा ने एफिम से कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जो तीर्थ यात्रा है वो बहुत ही अच्छी गई होगी और सकुशल उसको पूरी करके आए होंगे। एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया परंतु मेरी आत्मा वहाँ न पहुँच सकी, इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। जब एलिशा ने एफिम से पूछा कि आपकी यात्रा कैसी रही, सकुशल पूरी हो गई होगी, तो एफिम कहता है कि मेरा शरीर तो वहाँ पर पहुँच गया था लेकिन मेरी आत्मा नहीं पहुँच सकी, क्योंकि वह वहाँ पर रहकर भी घर की चिंता करता रहता था। इसमें मुझे संदेह है और मुझे यह पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ पहुँच गई। भले तुम्हारा शरीर वहाँ पहुँचा या ना पहुँचा लेकिन तुम्हारी आत्मा ज़रूर वहाँ पर पहुँच गई। मैंने तो तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के प्रकाश के पीछे खड़ा देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री हो और ईश्वर के प्रिय हो। अब मैं समझ गया हूँ कि मानव की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, यानी कि हमें मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। उससे मनुष्यों की सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। ये सब करने से हम पूर्ण रूप से तीर्थयात्रा पूरी कर लेते हैं, यानी कि मनुष्यों की सेवा और सच्ची दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। विचारवान, विचार करने वाला। मरणासन, मरने के समीप, मरने ही वाला। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित। अनावृष्टि, सूखा। चित्त मन। यरूशलम, प्रभु ईसा का जन्मस्थान। त्राही त्राही, चीख पुकार। अनुमति, इजाजत, आज्ञा।